Hello, dear students. How are you? I hope all are fine and healthy. First of all, I wish to very, very happy good afternoon to all of our students. मैं पिंटू शर, इंग्लिश फैकल्टी, आप सभी बच्चों का सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ. और हर क्लास की भांति इस बार भी जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों को अपने तरफ से गुड आफ्टरनून और हमारे चैनल की तरफ से गुड आफ्टरनून का विश करता हूँ. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास शुरू करने से पहले जो कुछ खास बातें हैं, कुछ खास टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स पर जरा डिस्कशन कर लिया जाए, उसके बाद मैं तुरंत क्लास को शुरू करूँगा. तो चलिए, सबसे पहले देख रहे हैं कि आज के क्लास में कुछ खास स्टूडेंट आ चुके हैं, बाकी तो कुछ लेट से ही आते हैं, वो तो खैर आदत है भाई. तो शमीर, सुजल, अजय, दीपक, श्रवण कुमार, विक्रम कुमार और नंदिनी कुमारी और साथ में अरुण रॉय, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फिलहाल क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं. चलिए ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन थोड़ा लेट से आएंगे. लेकिन अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड फिलहाल अगर क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो आप उन्हें फ़ोन करें कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर ले. चलिए, आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में कुछ खास बातों पे चर्चा करना है, जो 11th का बेसिक क्लास का ही चर्चा करना है, क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में, कल के क्लास में कुछ खास टॉपिक पर चर्चा किया था. जहां तक पहले आपको जो पढ़ाया गया उसमें सबसे पहले तो आपको बताया गया कि लेटर्स क्या होता है, फिर सेकेंड स्टेज में अल्फाबेट क्या होते हैं, उसके साथ आपको वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल ये बताया गया, साथ ही साथ वर्ड ये क्या होता है, एग्जांपल क्या होता है ये समझाया गया. और कल के क्लास के अनुसार जो लास्ट फोर्थ टॉपिक था उसका नाम था सेंटेंस. लेकिन सेंटेंस कोई सिंपल नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट, अरे इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे बिना पढ़े, बिना समझे और बिना पहचाने आप आगे नरेशन वॉइस डिग्री तो दूर की बात, इंग्लिश ग्रामर में आप सही से स्पीक नहीं कर पाएंगे, ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे. तो इन तरह तरह के तमाम बातों को आपके सामने मैं आज फिर से लाया हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सेंटेंस. तो आज के इस क्लास में आपको सेंटेंस पढ़ाया जाएगा. सेंटेंस का डेफिनेशन कल हो चुका था, सेंटेंस का टाइप ये कल लिखा चुके थे, और उन सारे टाइप्स को, ठीक ना, उन सारे टाइप्स को फिर से वारी वारी क्लासिफाइड करना है विथ डेफिनेशन एंड विथ एग्जांपल. तो चलिए बच्चों, आज के क्लास के साथ यहां शुरुआत किया जाए और कुछ खास और बेहतर अंग्रेजी ग्रामर के जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें, ताकि आज को इस वीडियो में आपको तरह तरह की जानकारियां हासिल हो सके. चलिए चलते हैं हम अगले पेज की ओर. यहां देखें, यहां पर तो आप पिछले दो दिनों से देख रहे हैं कि जो बैच का अनाउंसमेंट हुआ है वो 11th और 12th दोनों के लिए. उसी के साथ साथ आपको यहां पर देखें नीचे में लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे. चलिए मैं जरा पहले कुछ एक पेन लेता हूं. चलिए, एक पर्पल कलर का पेन है मेरे पास. यहां देखें, यहां दिया गया है बेसिक टू हाई. चलिए, ये थोड़ा सा अच्छा कलर मैच नहीं कर पा रहा है. अरे भाई कहाँ गया कलम, हाँ आजा आजा. चलो ठीक है, रेड ही ले लेता हूं. आइए, यहां देखिए आपको लिखा गया है बेसिक टू हाई, मतलब एक छोटे पॉइंट से बड़े पॉइंट की ओर धीरे धीरे बढ़ना. तो आपके इस 11th क्लास में मैं आपको बहुत सारी खास इंपॉर्टेंट जानकारियां दूंगा जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत ही बेहतर होगा. लेकिन छोटे छोटे पार्ट में बटे होंगे, उन सारे पार्ट्स को आपको समेटना होगा, सारे पार्ट्स को एक जगह कलेक्शन करना होगा, तब जाकर के आप बेसिक टू हाई अर्थात जीरो लेवल टू हीरो लेवल तक आप पहुंच पाएंगे. यहां देखिए, ये हमारे बारे में जो लिखा हुआ है कि इंग्लिश स्पेशल बैच बाय पिंटू सर,
तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो आपको बताया था कि इम्पैक्ट इंग्लिश जोन जो मेरा अपना ऑफलाइन क्लास है, और सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल जो मेरा ऑनलाइन क्लास का है। तो बच्चे जहां पर सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, जो टाइम एडजस्ट कर पाते हैं, आप वहां पढ़ सकते हैं। दोनों जगह मैं ही पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। यहां देखिए, इस पेज में आपको लिखा गया है बेसिक नॉलेज। आपको ध्यान देना होगा यहां पर कि जिसे मैं एक बंद कर रहा हूं सर्कल में, यहां देखिए क्या भाई, बेसिक। इस बेसिक को जब तक आप समझेंगे नहीं, उसे पूरा कर नहीं लेंगे, तब तक तो आपको इंग्लिश ग्रामर में कुछ समझ में आएगा नहीं। इसी कारण मैंने कहा कि आपको बेसिक से लेकर चलना है। आपको मैं हाथ पकड़ूंगा, आप मेरे हाथ थामेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, कुछ स्टूडेंट और जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो अपने अपने नाम का, होता ना अटेंडेंस, एक तरह से बोलते हैं, होता ना ऑफलाइन क्लासेस में, स्कूल में अटेंडेंस, रोल नंबर 1 यस सर, रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। फिलहाल तो कुछ स्टूडेंट अपना नाम तो कमेंट करके लिख के भेजे हैं, बाकी लोग अभी इसे पढ़ रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ शुरू करते हैं आज का लाइव क्लास, कुछ खास और स्पेशल जानकारी के साथ। यहाँ आइए, आपको सबसे पहले यहाँ मिलेगा सेंटेंस जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए, कल के क्लास में जो बच्चे क्लास अब्सेंट किए थे, उनको आज का क्लास थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन भाई जब तक हम हैं, हमारा चैनल है, दिक्कत की कोई संभावना ही नहीं है। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको रिवैक ले चलता हूँ, रिकैप में ये चलता हूँ लेकर के कि कल के लास्ट टॉपिक में, कल के क्लास में आपको लास्ट पढ़ाया गया था सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 कौन सा, इम्परेटिव, नंबर 4 ऑप्टेटिव और नंबर 5 एक्सक्लामेटरी। इन पांचों पर आज बारी बारी डिस्कशन करना है, इसके डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए, रेडी है ये, अपना साथ में अगर पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो अच्छी बात है। ये हमारा हो गया नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले जरा इसके हिंदी के बारे में जान लें। तो चलिए, मैं बताता हूं कि इसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक, ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य। ये इसका हो गया आपका सही सही हिंदी। आप चाहें तो इसे एक नाम और दे सकते हैं जो मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं, आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहा भाई, स्वीकारात्मक वाक्य बोलिए या बोलिए सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी हो गया स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। अब बात करते हैं परिभाषा का, तो ये देखिए आपके सामने परिभाषा भी हाजिर है, ध्यान से पढ़ें। द सेंटेंस दैट अफर्म्स, ठीक है, अफर्म्स AFFIRMS, अफर्म्स एनी एक्शन कॉमा इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। अर्थात अगर किसी वाक से किसी काम के स्वीकारने का बोध हो, मतलब किसी काम के होने का बोध हो, तो इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं या इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको यहां पर समझना होगा कि भाई ये अफर्म्स क्या है, क्योंकि इस डेफिनेशन को समझने के लिए बस आपको ये मीनिंग समझना होगा अफर्म्स। चलिए, अफर्म्स को मैं समझाता हूं कि अफर्म्स का दूसरा अर्थ दे सकते हैं यस, अर्थात हिंदी में बात करते हैं तो क्या होगा, हाँ, यस मतलब हाँ। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी वाक से किसी काम के होने का बोध हो, मतलब काम के हाँ होने का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस या स्वीकारात्मक वाक या सकारात्मक वाक भी कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेमो देना होगा, तो एज ए डेमो कुछ एग्जाम्पल समझने होंगे।
ताकि आपको कंफर्म समझ में आ जाए कि भाटी डू यू मीन बाय अफर्मेटिव सेंटेंस। देखते हैं एग्जांपल, यहां देखें आपके साथ आपके स्क्रीन पे फिलहाल दो अलग अलग एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक ना। अब यहां एग्जांपल दिया गया पहला कि माय टीचर टीचेज मी डेली, ठीक है, माय टीचर टीचेज मी डेली, क्या होगा हिंदी भाई, तो हिंदी हो जाएगा कि मेरे शिक्षक, ठीक है, मेरे शिक्षक मुझे प्रतिदिन पढ़ाते हैं। अब चाहे तो यहां पर आप डेली के जगह पर डेली के बदले एवरी डे का प्रयोग भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, हिंदी वही अर्थ होगा। तो यहां पर देखिए तो किसका बोध हो रहा है भाई, तो टीचर का डेली पढ़ाने का बोध हो रहा है, अर्थात प्रतिदिन पढ़ाने का काम हो रहा है, यानी हाँ के सेंस में, अफर्मेटिव के सेंस में, तो इसे क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर दूसरा आ जाइए, यू हेल्प द पुअर, तुम गरीबों की सहायता या मदद करते हो, अर्थात तुम्हारे द्वारा जो काम हो रहा है वो हाँ के सेंस में हो रहा है, तो इसे क्या मानेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। इस तरह के और भी एग्जाम्पल है, आप चाहे तो यहां पर आ जाइए, मैं समझाता हूं दूसरा एग्जाम्पल, आप चाहें तो खुद भी अपने कॉपी पे तरह तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए मैं तो एग्जाम्पल दूंगा, आप लोगों से पूछते हैं। पवन शाह जिन्होंने बोला हेलो सर, हेलो पवन, आप क्लास तो ज्वाइन किए लेकिन थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए, तो आई होप बाबू कि कल से थोड़ा क्लास टाइम पर ज्वाइन करें, 3 बजे तक ज्वाइन कर रहे हैं तो बेहतर है, खैर आज दिक्कत हो गया, देरी हो गया, कल से थोड़ा टाइम पर आएंगे। हाँ जी, यहाँ पर मैं आप सभी से कुछ पूछता हूँ एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का, फटाफट आप मुझे आंसर या जो आपके मन में एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल आ रहा है आप फटाफट टाइप करें और मुझे भेजें, मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूँ, जब तक मैं कुछ आगे बताता हूँ, ज़्यादा फटाफट आप आंसर टाइप करें ताकि आपका आंसर मुझे मिल सके। चलिए फटाफट आंसर भेजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिख करके मुझे टाइप करें, भेजिए। हाँ जी, यहाँ पर हम समझा रहे थे कि अफर्मेटिव होता है क्या है, तो अफर्मेटिव का मतलब होता है काम का पूरा हो जाना, मतलब कंप्लीट हो जाना। तो चलिए जैसे मान लिया जाए कि हाँ जी, श्रवण कुमार का एक मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है आई ईट ए मैंगो। चलिए श्रवण कुमार जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने सबसे फर्स्ट टाइम में और सबसे फास्ट, ठीक है, सबसे पहले और सबसे फास्ट आंसर दिया जो आपका बिल्कुल सही है। चलिए और कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं कोई स्टूडेंट तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जब तक मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ आप फटाफट आंसर दें, और भी कोई स्टूडेंट। यहाँ पर बोल सकते हैं सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। चलिए सुजल का आ रहा है, अजय कुमार का आई लव यू, चलिए एग्जाम्पल तो अच्छा है लेकिन एग्जाम्पल से मतलब है मुझे, सुजल का आई एम, सुजल जी आपने जो एग्जाम्पल दिखा है आई एम बॉय, वहां पर आई एम ए बॉय होना चाहिए, आपका ए छूट गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सुजल जी, आई एम ए बॉय, ओके। फिर श्रवण कुमार का अगला एग्जाम्पल आया है मोहन इज माई फ्रेंड, चलिए आप सभी का एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। अरुण रॉय का आई वर्क डेली, मैं प्रतिदिन काम करता हूँ, चलिए अरुण जी आपका भी एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, बस यही यही पॉजिटिविटी यही एनर्जी मुझे चाहिए ताकि मैं ऑनलाइन क्लास में आपको एक ऑफलाइन क्लास के जैसा माहौल दे सकूं, ताकि मुझे ही पढ़ाने में मजा आए और आपको भी कुछ नए चीज सीखने में पढ़ने में उसे समझने में मजा आए। तो ये हुआ पढ़ाई का एक सही मेंटेनेंस, जो था बेल मेंटेनेंस कि मैं सवाल पूछूं फटाक से आपका आंसर मिलना चाहिए, दैट्स द राइट वे टू एजुकेट, ठीक है। चलिए मैं आगे भी आपसे प्रश्न पूछता रहूंगा, फिलहाल आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर एग्जांपल अब हो गया, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक नेगेटिव सेंटेंस की ओर, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि अफर्मेटिव का एक पार्ट और होता है जिसे हम नेगेटिव के नाम से जानते हैं, क्लियर, आइए देखते हैं। यहां देखिए नोट में पहले तो नेगेटिव से पहले कुछ नोट्स है आपके स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि नोट का मतलब होता है कि कुछ खास पॉइंट पर, कुछ खास टॉपिक्स पर अपना नजर ज्यादा फोकस करना,
समझ रहे ना, अपने नजर को ज्यादा फोकस करना वो क्या कहलाता है, नोट। तो देखिए नोट को पढ़ा जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस इज नोन एज, यहां देखिए नोन का मतलब होता है जाना जाता है, क्या होता है जाना जाता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है जरा आप खुद देख ले। नंबर वन की बात करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस, इसी की और होता ना अथवा, या पॉजिटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डी सी एल ए आर ए टी आई वी ई, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी आप जाकर के अफर्मेटिव आपका फुल्ली कंप्लीट पढ़ रहा हिंदी का, तो अफर्मेटिव असर्टिव पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव इन चारों का हिंदी आपके लिखा हुआ है, स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य, क्लियर। अब सवाल रहा कि सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन है, तो जनरली बुक्स में, ठीक है, बुक्स में जो सबसे ज्यादा यूजेबल नेम है, जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला है, वो नाम आपका आता है यहाँ जो आपको लिखा हुआ है पीला कलर से, है ना, पीला पट्टी में लिखा हुआ अफर्मेटिव, सबसे पॉपुलर नेम यही है। लेकिन नॉलेज के लिए आपको अफर्मेटिव के बदले असर्टिव या पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव याद रखना होगा। हो सकता है बाय द वे जब मैं आगे आपको पढ़ाऊं अगले टॉपिक में अगले क्लास में, और मेरे मुंह से अगर निकल रहा है असर्टिव या पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव, तो आप चौंकिएगा नहीं, ऐसा मत समझिए कि कोई नया बल्कि उसी का एक अलग नाम दिया गया। चलिए अब यहां पर अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे फटाफट से कमेंट करें ताकि मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं, और नहीं तो आप यस सर लिख के मुझे कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके समझ चुके हैं। जब तक मैं अगले स्लाइड की ओर चलता हूं, अगले पेज की ओर चलता हूं, पवन शाह जिनका एक मैसेज आया है, आई गो टू अ स्कूल एवरी डे। चलिए पवन जी आपका भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, आप हमें फटाफट से मैसेज करें जब तक मैं अगले पेज की ओर चलता हूं कि अगला पेज में आपको क्या पढ़ना है। ये है आपका अगला पेज और ये रहा आपके सामने नंबर ए निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ध्यान देंगे अफर्मेटिव का एक पार्ट और होता है, ठीक ना, अफर्मेटिव का ही एक पार्ट और होता है जिसे हम निगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। तो भाई ये कुछ है नहीं, इसमें आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। बात रहा हिंदी का तो हिंदी होता है नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक वाक्य, क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य, अर्थात नकार देना मतलब समझे, इनकार कर देना। तो इसका पहचान क्या है, एक सिंपल सा पहचान, एक सिंपल सा पहचान है कि क्या होना चाहिए, नॉट। पहला पहचान नॉट, दूसरा पहचान आप चाहें तो नो ये लगा सकते हैं। हालांकि इसके अलावे नो और नॉट के अलावे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव वर्ड है जो आपको बाद में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल बेसिक में क्या होता है, आपका बेसिक क्लास चल रहा है तो बेसिकली क्लास के लिए आप समझ लीजिए कि आपका नो और नॉट सबसे इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए। चलिए अजय कुमार ने बोला नो सर, तो लिख रहा है यस सर, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, तो देखिए सिंपल सा बात, सिंपल सा फंडा, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही अगर नॉट लगा देते हैं, सिर्फ नॉट लगता है, ओके, सिर्फ नॉट या नो, इसके अलावा कोई भी निगेटिव हो सकता है लेकिन फिलहाल उसका प्रयोग नहीं करना है, फिलहाल नो और नॉट का। तो अफर्मेटिव में जैसे ही नॉट लगता है तो एक नया सेंटेंस बनता है जिसे हम निगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, जैसा कि आपका एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं। और यहां पर देखें द सेंटेंस दैट डज नॉट, ओके, ध्यान देंगे इसके पहले क्या था, अफर्म्स, अब क्या है, डज नॉट अफर्म, मतलब जिसे स्वीकार नहीं किया जाए, इस एनी वर्क एनी एक्शन इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस, यानी वैसा कोई काम जिसे मना करने का सेंस हो, मना करने का बोध हो, नेगेटिव कहलाता है। कैसे, तो पहचान रहेगा नो और नॉट, एग्जाम्पल देखें समझ में आ जाएगा। यहां देखें, यहां सेम एग्जाम्पल पिछले से दिया गया है लेकिन अफर्मेटिव में डज और नॉट का प्रयोग नहीं था, फिर डू और नॉट का प्रयोग नहीं था, लेकिन इसमें आपको डज नॉट और डू नॉट लगा है। तो भाई डज और डू कहां से आया, इस बात की जानकारी मैं आपको टेंस में या फिर उससे पहले मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना, इम्फैटिक सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग है, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहां देख लीजिए,
पहचान के तरीके पर कि इस पैटर्न में क्या देख रहे हैं भाई, एग्जाम्पल में नॉट लगा हुआ है, दूसरा भी क्या देख रहे हैं नॉट लगा हुआ है, तो जैसे ही नॉट लग गया सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव। समझने के लिए मैं आपको फिर से ले चलता हूं बैक पेज पे, यहां आ जाइए, यहां देखें, यहां देख रहे हो एग्जाम्पल, ध्यान से देखेंगे। पहला एग्जाम्पल जहां मैं टिक मार रहा हूं रेड पेन से कि माई टीचर टीचर्स मी, मतलब प्रतिदिन पढ़ाते हैं। यहां देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यू हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करते हो, मतलब काम के हाँ के सेंस हो रहा है। अब जरा आइए अगले टॉपिक में जो बोल रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, यहां देखें क्या लिखा हुआ है, नॉट है ना, तो नॉट क्या हो गया भाई, नॉट हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ओके चलिए अब फटाक से अपना स्टूडेंट लोग उठाइए अपना, टाइप कीजिए मैसेज, मुझे एग्जाम्पल बताइए नेगेटिव सेंटेंस का। जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ बताता हूँ और मैं तो कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप भी मुझे फटाक से मैसेज करें और नेगेटिव का एग्जाम्पल भेजें जल्दी फास्ट। चलिए सुनीता सिन्हा जी का आया है, राम डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। चलिए सुनीता जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। दीपक कुमार दूसरे नंबर में, सी डज नॉट इट, सही है। श्रवण कुमार, आई डोंट ड्रिंक वाइन, तीनों का एग्जाम्पल सही है। सबसे पहला जो आंसर आया वो सुनीता सिन्हा जी का, दूसरा दीपक कुमार का, तीसरा श्रवण कुमार का, चौथा सुजल कुमार, सी डज नॉट गो टू मार्केट, चारों का एग्जाम्पल बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही के साथ फास्ट भी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर से कुछ नए एग्जाम्पल जो मैं आपको यहाँ पर रेड पेन से लिख रहा हूँ। कह रहा है यू डिड नॉट प्ले, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो तरह तरह के तमाम एग्जाम्पल हैं जो नॉट की सहायता से बनता है, लेकिन कैसे बनता है, यहाँ पर डज क्यों लगा, डिड क्यों लगा, डू क्यों लगा, ये सब जानकारी आपको मिलता रहेगा। उसी साथ पवन शाह जिन्होंने मैसेज किया है, द फार्मर डज नॉट हार्ड लेबर, चलिए आपने जो हार्ड लेबर लिखा उसको आप लेबर हार्ड लिखें तो बेहतर होगा। आपका मैं आंसर समझ रहा हूँ लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे लेबर हार्ड तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना, आप सुधार लीजिएगा लेबर हार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं तीसरा पॉइंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बात रहा हिंदी का तो चलिए मैं आपको हिंदी समझा देता हूँ। इसका हिंदी होता है एक सिंपल सा हिंदी, आप जानते होंगे जिसे बोलते हैं क्या, प्रश्न सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं भाई, प्रश्न सूचक, ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य। तो ये तो और भी आसान दिख रहा है, इसके हिंदी से आप समझ में आ रहे हैं कि ये क्या सेंटेंस हो सकता है। क्लियर, तो सिंपल समझ लीजिए ना कि वैसा कोई वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछने का बोध हो, वैसा कोई बात जिसे किसी व्यक्ति से कुछ पूछने का बोध हो, उस तरह के वाक्य को क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में प्रश्न सूचक वाक्य। लेकिन ध्यान रहे कि इसके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होता है ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जिसे मैं अपने भाषा में हुक होता ना, नहीं देख रखे तो जब लिखते हैं क्वेश्चन मार्क ऐसे तो लगता है कैसे हुक के जैसा है, तो मेरी भाषा में आप इसे हुक बोल सकते हैं, एच डबल ओ के हुक होता है, टांगने वाला खुट्टी, वही हुक। लेकिन इसका सही नाम होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क। तो वैसा बात जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा हो, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो जरा देख लीजिए एग्जांपल, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, आप पढ़ें हिंदी करें, बाकी मैं समझाता हूं कि इसका हिंदी कैसे होता है, इसमें क्या क्राइटेरिया होते हैं। चलिए अरुण रॉय का कहना सही है, देखिए अब अरुण रॉय ने जो बोला, जब मैसेज किया मुझे कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्या होता है, उन्हें सैम्बुल होता है ना, सैम्बुल, सैम्बुल भेजे। देखिए तरुण जी बिल्कुल लग रहा है आपका सैम्बुल एक हुक के भांति लग रहा है, हुक के जैसा, इसी कारण मैं इसे हुक बोलता हूँ, ठीक है। चलिए
देखा जाए डिफिनेशन, द सेंटेंस टू आस्क, आस्क मतलब पूछना, ठीक है, टू आस्क ए क्वेश्चन मतलब प्रश्न, टू शंबन किसी से भी, विथ ए क्वेश्चन मार्क्स क्वेश्चन मार्क के साथ, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए फाइनली पढ़ लीजिए, पता ना एक रफ पढ़ना, सब पढ़ना, रफ कॉपी सब कॉपी होता ना आपके लिए उस तरह से। द सेंटेंस टू आस्क ए क्वेश्चन, द सेंटेंस टू आस्क ए क्वेश्चन टू शंबन विथ ए क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ पूछ रहे हैं और उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, मतलब हुक लगा हो, तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव के नाम से जाना जाता है। कैसे, एग्जाम्पल देखा जाए, यहां देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। यहां पर क्या गया कि डू यू रीड दिस बुक, लास्ट में देखें, ध्यान दीजिए, जरा मैं लास्ट में इंडिकेट कर देता हूं रेड पेन की सहायता से, जिसमें मैं बंद कर रहा हूं सर्किल में, ध्यान देंगे लास्ट में क्या भाई, हुक, जिसे मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं हुक, लेकिन है वो क्या, क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह। तो वैसे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये हुक लग गया, वो हर हाल में इंट्रोगेटिव ही होगा। ये पहला पहचान और सॉलिड पहचान। लेकिन जब बाद में मैं आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज दूंगा, अभी तो आपका बेसिक चल रहा है भाई, थोड़ा डीप नॉलेज दूंगा ना, तो आपको एक चीज और सीखना होगा कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, उन सभी के स्टार्टिंग में, मतलब शुरू में एक सहायक क्रिया का लगना अति आवश्यक होता है। चाहे वो सहायक क्रिया डू डज डिड हो, ई एम आर हो, बाज या बेयर हो, सेल विल हो, या कोई मॉडल वर्ब हो, जैसे कैन कुड मे माइट सेल शुड, ठीक है। तो फिलहाल आपके पास दो पहचान, सबसे बेसिक पहचान सुनिए फिर से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है प्रश्न पूछने के साथ। दूसरा पहचान जो थोड़ा सा एडवांस नॉलेज के लिए है, कि किसी भी इंट्रोगेटिव के सबसे शुरू में क्वेश्चन मार्क नहीं, बल्कि कोई भी सहायक क्रिया या मॉडल वर्ब होना चाहिए सबसे स्टार्टिंग में, बाकी जो लिखना है बीच में लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी एज ए सैम्पल देखा जाए तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर देखेंगे कि कैसे रहेगा आपका, शुरू में रहेगा एक्जुलरी वर्ब ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई, एक्जुलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया। ये क्या होता है आप जानते हैं, इज एम आर, बाज वेयर, सेल बिल, ये सब हो सकते हैं, और डॉट 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 जो लिख रहा लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेट जो आपका हुआ किसका हो गया, इंट्रोगेटिव का। चलिए अब मैं फिर से यहाँ पर आपसे वही पुराना सवाल, कि हर एग्जाम्पल में आप सवाल, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप फटाफट आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर भी मेरा सवाल ये हुआ कि आप फटाफट टाइप कीजिए, आप मुझे इंट्रोगेटिव का अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग एग्जाम्पल जैसे भेजें। चलिए रेडी टू सेंड योर आंसर। चलिए सुनीता सिन्हा जी काफी फास्ट हैं, काफी तेज हैं, और सबसे सॉलिड जवाब दिया है, डू यू लाफ, कैन आई गो, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, डज राम रीड दिस बुक। इन सभी का एग्जाम्पल बिल्कुल और बिल्कुल सही है, जिसमें से सबसे पहले आंसर सुनीता सिन्हा जी का, दूसरा अरुण रॉय का, तीसरा सौरभ राज का, चौथा दीपक कुमार का, पांचवा पवन शाह का, डिड द बॉयज गो टू स्कूल एवरी डे, और उसके बाद अजय कुमार, डू यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करते हो। अजय भाई आपने जो एग्जाम्पल दिया वो सही दिया, लेकिन लास्ट में आपका हुक छूट रहा है भाई, आप लास्ट में हुक पर ध्यान दें। उसके बाद श्रवण कुमार जिन्होंने लिखा है वेयर आर यू गोइंग, आपका भी आंसर सही है, लेकिन लास्ट में श्रवण जी लास्ट में आपका भी हुक छूट रहा है, क्योंकि बिना हुक का इंट्रोगेशन मार्क नहीं रहेगा तो इंट्रोगेटिव नहीं होगा। फिर सुजल कुमार डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। चलिए आपका आंसर सब सही है, सिर्फ अजय कुमार का और श्रवण कुमार का लास्ट में क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ था। चलिए इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव को सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो नंबर चार है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, चलिए अजय जी आपने लिखा सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने थोड़ा सा बस यही गलती किया कि क्वेश्चन मार्क को छोड़ दिया, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही था।
तो यहाँ से हम आप लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए खेलते कूदते कहां तक पहुंच गए, इंट्रोगेटिव का स्टेज पार कर लिए हैं। अब यहां पर से ध्यान दें कि आपको सीखना है नंबर 4 जिसका नाम होता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर, इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं पहले इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए इंपरेटिव का जो हिंदी होता है वो होता है आदेश, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं दूसरे तरीके में आज्ञा। क्या हो गया? आज्ञा। आदेश या आज्ञा सूचक वाक्य, यानी फाइनली हिंदी हो गया आज्ञा सूचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य। तो भाई नाम से तो पता चल रहा है, क्या जरूरी डिफरेंस नोट रखना। सिंपल क्या बोलेंगे हिंदी में, सिंपल भाषा में बोलेंगे कि वैसा कोई वाक्य जिससे किसी को आज्ञा देना या लेना, आदेश देना या लेना, मतलब टू टेक ऑर्डर और टू गिव ऑर्डर, मतलब टेक मतलब लेना, गिव मतलब देना। सिंपल परिभाषा याद रखिए, मतलब सिंपल, उतना उलझना नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि और आसान तरीके से कैसे सीखेंगे। तो टू टेक और गिव ऑर्डर्स, यानी बस इस पॉइंट को याद रखें। चलिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं पेन का कलर ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए यहां पर मैं एक हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप इसे शॉर्ट तरीके से समझ लें और इसे कॉपी पे नोट कर लें, ठीक है। ग्रा टू टेक या गिव ऑर्डर्स, टेक मतलब देना, गिव मतलब लेना, आज्ञा देने का बोध हो या आज्ञा लेने का बोध हो, बोथ केसेस, ओके, बोथ केसेस। इन दोनों केस के सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। चलो परिभाषा देखा जाए किताब के लैंग्वेज में, एक किताब की भाषा में। ये देखिए आपके सामने यहां पर मौजूद है आपका डेफिनेशन, पढ़ा जाए। द सेंटेंस बीच इज यूज टू कन्वे, मतलब सूचित करता है, दर्शाता है या बतलाता है किसके बारे में। जरा देखा जाए तो यहां देखेंगे सबसे पहले तो दिया रहा है क्या, ऑर्डर्स। चलिए थोड़ा चेंज करते हैं कलर को, आ जाइए। अरे भाई कहां चल गया वो, अरे कलमों कभी कभी भाग जाता है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इसको। चलिए फिर से लेते हैं थोड़ा रेड है लेकिन लाइट रेड है। हाँ देखिए, द सेंटेंस विच इज यूज टू कन्वे ए ऑर्डर्स, मतलब आज्ञा हो गया, कमांड मतलब आदेश, ठीक है, ऑर्डर मतलब ही आदेश। ध्यान देंगे ऑर्डर नहीं बोलना आपको, ऑर्डर्स बोलना है। यहां ध्यान दीजिए मैंने लिखा ऑर्डर में क्या लिखा है लास्ट में, एस। ऑर्डर और ऑर्डर्स में बहुत बड़ा अंतर होता है भाई। ऑर्डर मतलब क्या हो गया, एक क्रम जो होता है ना, सीरियल नंबर, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, वो था ऑर्डर। आए दिन हम लोग जो है ना बिहारी, हमारी क्या है ना भाई कि ना पूरा इंग्लिश सही है ना पूरा हिंदी सही है, तो क्या करते हैं मिक्स्ड, मिला जुला के बोलते हैं, काम चल जाता है, ठीक ना। और काम से हमारा काम चल ही रहा आज तक, ठीक है। तो ग्रामेटिकली अगर सीखना है और करेक्ट सीखना है ना, तो ऑर्डर मतलब जान लीजिए होता है क्रम। जैसे आप खुद पढ़ेंगे क्लास 4-5 में मैथ में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, बढ़ते और घटते क्रम में, क्या कहीं पढ़ा है बढ़ते आदेश में या घटते आदेश में, नहीं पढ़ा होगा आपने, क्योंकि सही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर तो बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर तो घटते क्रम। इसी कारण ऑर्डर मतलब क्रम और ऑर्डर में लग गया एस तो प्लुरल नाउन है, ठीक ना, प्लुरल नाउन है तो क्या हो गया हिंदी, आदेश या आज्ञा। अब बात करते हैं कमांड पर, COMMAND, कमांड, इसका मतलब क्या हो गया, आदेश या आज्ञा। तो अब जरा मुझे बताएं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है, जल्दीबाजी में दीजिएगा लेकिन सही दीजिएगा, क्योंकि जो सही देंगे उनका अच्छा रहता है। लीजिए यहाँ पहले हम आंसर दे दिए हैं श्रवण कुमार जी, स्टैंड अप। चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, यू आर जीनियस,
कि मैंने अभी पूरा डेफिनेशन भी नहीं समझाया, अपने आंसर दे दिया। चलिए, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। श्रवण कुमार जी, पवन शाह ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सुनीता सिन्हा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, श्रवण कुमार प्लीज हेल्प मी, फिर अजय कुमार ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाइन, वाओ व्हाट ए लवली एग्जांपल, और साथ में सैंपल दिए हैं उन्होंने गिलास का, वाइन का। लगता है कि अजय जी को शराब से, दारू से बहुत बड़ा प्यार है, बट जान लीजिए अजय जी कि ये सभी चीज स्मोकिंग हेल्थ इंजुरियस टू हेल्थ, आपको पता है ना। तो इस तरह का एग्जांपल तो चलेगा, लेकिन लाइफ में इस तरह से गलत बात है। और आयुष राज जिन्होंने कहा सिट डाउन, बिल्कुल सही है। चलिए, आप सभी का बिल्कुल सही है आंसर। हाँ जी, हाँ, मेरा सवाल यहाँ पर सुनिए, मेरा सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्स और कमांड। ऑर्डर्स का हिंदी भी आदेश, कमांड का हिंदी आदेश, तो ऑर्डर्स में और कमांड में दोनों में क्या अंतर है, फटाक से मुझे आंसर बताएं, कमेंट करें, जब तक मैं आगे डेफिनेशन को पूरा करता हूं। चलिए आंसर बताइए आप लोग। अगर ऑर्डर्स और कमांड, ए रिक्वेस्ट और ए फॉरबिडेंस। रिक्वेस्ट मतलब होता आग्रह करना, ठीक है, किसी से विनती करना, और फॉरबिडेंस मतलब क्या हो गया भाई, मना करना, किसी को मना ही करना, रोकना, जो होता है प्रिवेंट, उसे होता है फॉरबिडेंस, इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। अगर किसी वाक्य से आज्ञा का, आदेश का, अनुमति का, आग्रह का या मनाही का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव कहा जाता है। नंदिनी कुमारी का आंसर आ रहा है सिट डाउन, कमलेश कुमार पांडे का गेट आउट, सुजल कुमार का ओपन द डोर, श्रवण कुमार टेक केयर ऑफ योर हर्ट, बिल्कुल सही आंसर है जी आपका। श्रवण कुमार का कमांड इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर्स, श्रवण कुमार का कहना है कि ऑर्डर का भी एक मतलब होता है कमांड ही। चलिए, आपका सभी का आंसर सही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड कमांड। अगर आप अपने छोटे भाई को कुछ काम दिए, कुछ काम करने को बोला, तो क्या कहलाएगा, ऑर्डर्स कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ऑफिसर ग्रेड का आदमी, जैसे डिफेंस में बात करते हैं, होता ना कमांडर, कमांडेंट, तो कमांड से ही बनता है कमांडर, और उसी से बनता है कमांडेंट, एक नया मीनिंग, कमांड से ही बनता है। तो अगर कोई ऑफिसर ग्रेड का आदमी, ऑफिसर ग्रेड के ऑफिसर लोग अगर अपने छोटे पोस्ट वाले को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कमांड। तो देखा जाए तो ऑर्डर और कमांड लगभग सेम है, लेकिन हाईफाई नॉलेज के लिए, एडवांस नॉलेज के लिए याद रखेंगे कि कोई भी सिविलियन, जैसे मैं आपको बोला क्या स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो भाई हम आपके टीचर हुए, तो मैंने आपको बोला क्या स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो ये आपके लिए क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर एसपी साहब अपने किसी थाना वाले दरोगा को बोलेंगे कि कम टू मी सून, शीघ्र मेरे पास आओ, तो क्या होगा, वो कमांड होगा। या मान लिया जाए कोई कमांडेंट मेजर कर्नल अगर अपने सैनिकों को बोलता है कि फायर, कौन, आग वाला फायर ना है, गोली मारे वाला फायर, पता ना बॉर्डर पर वो वाला फायर, ठीक है, ये मत समझ लीजिए आग, क्योंकि फायर मतलब आग भी होता है और गोली चलाना भी होता है, तो यहां क्या कहलाएगा, कमांड। चलिए, सौरभ कुमार जी लिखे हैं कि ऑर्डर इज गिवेन टू ए पार्टिकुलर पर्सन बट कमांड इज गिवेन टू ए होल कम्युनिटी, ये जवाब भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद सुजल ने लिखा है ऑर्डर हमें कोई भी दे सकता है बट कमांड हमें दूसरे सीनियर देते हैं, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है सुजल जी। चलिए, यही मैं सवाल चाह का आंसर चाह रहा था जो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सौरभ कुमार भी बिल्कुल सही लिखे हैं अपने तरीके से, अपने अंदाज में, और सुजल कुमार ने भी सही लिखा है अपने तरीके से, अपने अंदाज में। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, हालांकि एग्जाम्पल तो हो चुका है, यहाँ मैं फिर भी देता हूँ। Bring a glass of water, ए glass पानी ला, order हो गया। Help me, क्या हो गया, Help me, comma, please, ये आपका request हो गया, ठीक है, कि कृपया करके मेरी सहायता करें। आप चाहें तो और भी example मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप copy पर note कर सकते हैं। Fire at once, मतलब अभी तुरंत गोली चलाओ, ठीक है, आग लगाओ, ऐसा नहीं, ठीक है, आग मत लगाना। Fire at
वंस, तुरंत गोली चलाओ। राजू कुमार लिख रहे हैं, ऑर्डर इज लाइक वर्क फॉर हिज बट कमांड इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए इनका भी आंसर सही है, यानी सौरभ का, सुजल का और राजू का तीनों का आंसर बिल्कुल सही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। और मैंने शुरू में ही बताया कि आप डेफिनेशन किस अंदाज में लिख रहे हैं ये मायने नहीं है, मायने ये है कि उसका हिंदी अर्थ सुटेबल और सफिशियंट होना चाहिए। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने इम्परेटिव के स्टेज को भी कवर कर लिया। अब एक लास्ट बचा नंबर 5, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। खुद देख लीजिए अपने स्क्रीन पे। सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक। यहां ध्यान देंगे, मैंने नंबरिंग को गलत कर दिया, इसी कारण मैंने लास्ट बोल दिया। यहां देख रहे हैं ना, इसको मैं लिखा है 4, ये एक्चुअली 4 था नहीं, वो मेरी गलती थी, ये था नंबर 3। ठीक है, अब जरा आइए नंबर 4 की ओर, ऑप्टेटिव। ठीक है, ये आपका हो गया नंबर 4। नंबरिंग में मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, थोड़ा नंबरिंग में सुधार लीजिएगा। पहला आपका हो गया कौन, देखिए बीच में जो निगेटिव घुसा है, हम चक्रा आ गए, हम निगेटिव भिजवा दिए नंबर में, जबकि निगेटिव को चाहिए भाई, तो निगेटिव जो है ना अफर्मेटिव का एक रूप है, बस उसी में मिस्टेक हम कर गए और हम नंबरिंग कर दिए 4। अल्लाह क्या बोलते हैं कि लास्ट पढ़ाने वाले हैं। हाँ ठीक है, ऐसा बात नहीं, 3 में हो गया इंपरेटिव, नंबर 4 में हो गया ऑप्टेटिव। चलिए ऑप्टेटिव की बात करते हैं, तो ऑप्टेटिव का सिंपल सा हिंदी होगा इच्छा सूचक वाक्य। आप चाहें तो कॉपी पे नोट कर सकते हैं, समझने के लिए लिख सकते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। तो भाई इसका ही परिभाषा तो आपको झलक रहा है हिंदी में ही, कि वैसा कोई बाघ जिससे इच्छा करने का बोध हो, है ना, कि वैसा कोई बाघ जिससे इच्छा जाहिर करने का बोध हो, क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव। लेकिन और सीखना है डीपली और बेहतर तरीके से, ताकि आगे एडवांस इंग्लिश में कंपटीशन में दिक्कत ना हो, कहीं पर उलझन ना हो, तो चलिए इसको मैं समझाता हूं। यहां पर देखें, आपको मैं देता हूं इसका डेफिनेशन, फुल डेफिनेशन, चलिए पढ़ा जाए। क्रा द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, मतलब एक्सप्रेसेस मतलब होता है व्यक्त करना, प्रस्तुत करना, दर्शाना या बतलाना। विश, या देखिए इसको याद करने का एक सिंपल तरीका, समझिए, विश का मतलब होता है इच्छा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप बाद में कॉपी पर नोट कर लेंगे, इच्छा। प्रे का मतलब हो गया आपका प्रार्थना, ठीक ना, क्या हो गया, प्रार्थना। यहां आइए ब्लेस, ठीक है, ब्लेस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है आशीर्वाद। क्या होता है भाई, आशीर्वाद, पता है किसी को आशीर्वाद देना। और लास्ट में आ गया कर्स, जिसको आप बोलते हैं श्राप। श्राप का एक हिंदी और होता है, जिसे लिख सकते हैं क्या, अभिशाप। ठीक है, अभिशाप, यहां प लिखा हुआ है, ठीक है, प अभिशाप। हाँ जी, यहां देखे आपका बन गया डेफिनेशन। 4 पॉइंट याद रखना है ऑप्टेटिव के लिए, 4 मीनिंग, विश मतलब इच्छा, प्रे मतलब प्रार्थना, ब्लेश मतलब आशीर्वाद, अकर्ष मतलब श्राप या अभिशाप। तो वैसा कोई बाघ जिससे विष का, प्रे का, ब्लेस का, कर्स का बोध हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, याद रखना 4 चीज रखिएगा, विष, प्रे, ब्लेस और कर्स, 4 में से कोई और है एग्जाम्पल आपका सरल हो सकता है। तो चलिए मैं पहले आपसे एग्जाम्पल पूछ लेता हूं, बताइए फटाफट एग्जाम्पल दें। आयुष राज का है मे यू लिव लॉन्ग, फिर करा विश यू ऑल द बेस्ट, जी नहीं जी नहीं जी नहीं। आयुष जी, आपका पहला एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग बिल्कुल सही है और सॉलिड है, लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल दिया आपने विश यू ऑल द बेस्ट, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। पवन शाह, विश यू हैप्पी जर्नी टुगेदर। चलिए अगर एडवांस तरीके से देखा जाए, एडवांस लेवल पर, तो पवन जी का, सॉरी आयुष जी का दोनों एग्जाम्पल और पवन जी का पहला एग्जाम्पल सारा सही है। चलिए और कोई स्टूडेंट फटाफट करें, कमेंट करें, मैसेज करें।
जब तक मैं कुछ एग्जाम्पल को यहां पर आपके सामने शो करता हूं। लेकिन आयुष जी और पवन जी, आपने एग्जाम्पल तो दिया, अजय जी विश यू मैरिज लाइफ, तो उसको आप ऐसे लिखे ना, विश यू हैप्पी मैरिज लाइफ, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब जाके मुझे सॉलिड और सबसे सॉलिड आंसर मिला जो सुजल कुमार ने दिया है, मे गॉड हेल्प यू। अब देखा जाए ग्रामेटिकली की मैं बात करता हूं तो यहां पर सौरभ राज का रहा है गॉड मे हेल्प द निड्डी। सौरभ जी आपने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया, चलिए आई गिव यू वन चांस मोर स्पेशल फॉर सौरभ राज को। सौरभ जी आप अपने एग्जाम्पल को सुधार लें क्योंकि थोड़ा सा ग्रामेटिकली मिस्टेक है। श्रवण कुमार मे यू लिव लॉन्ग, चलिए अब थोड़ा सा मैं ठहरता हूं यहां पर यह बताने के लिए कि तरह तरह के स्टूडेंट ने तरह तरह के एग्जाम्पल दिए और सबका एग्जाम्पल मेरे पास सही आया, थोड़ा थोड़ा कहीं पर मिस्टेक है। हर किसी का सिर्फ और सिर्फ सुजल कुमार का जो आंसर है वो बिल्कुल सही और सॉलिड है, जो एग्जाम्पल होना चाहिए और ग्रामेटिकली सही भी है। क्या मैं समझाता हूं, यहां देखिए पहले जरा मेरे एग्जाम्पल को पहले ध्यान से, चलिए आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, चलिए मैं पहले जरा डिलीट करता हूं, कुछ पॉइंट को इरेज कर देता हूं यहां पर, ध्यान देंगे, ठीक है, मिट जाओ, बस, आशीर्वाद, चलो मैं पूरा साफ कर देता हूं, आप बाद में लिख लीजिएगा कि आशीर्वाद क्या है, ठीक ना। चलिए आपको यहां पर इरेज कर दिया मैंने, अब इरेज के बाद यहां पर फिर से मैं लेता हूं पेन को, कहां गया भाई पेन, चलिए पेन आ गया, कलर तो रेड है मेरे पास। मे यू हैव ए लाइफ, हैव ए प्लेजेंट लाइफ अहेड, अब तो आपका आंसर सही हो गया सौरभ जी, तो आपने क्या एहसास किया कि आपकी गलती कहां पर थी। जी हाँ, अजय कुमार फिर लिख रहा है लॉन्ग लाइफ आवर यूनिटी, चलिए सबका एग्जाम्पल सही है, लेकिन मैं बता दूं अगर ग्रामेटिकली सही सीखना है, गलती नहीं करना, नन मिस्टेक सीखना है, तो याद रखेंगे इसका सिंपल सा फंडा है, एक पहचान क्या है कि सेंटेंस के सबसे शुरू में क्या लेना चाहिए, मे, स्टार्टिंग में मे लेना चाहिए, केवल और केवल मे, एम ए बाई। लेकिन एडवांस ग्रामर की मैं बात करता हूं तो कभी कभी मे, एम ए बाई, मे को छिपा दिया जाता है, जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिखे थे एक, यहां देखिए मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको, लॉन्ग लाइफ आवर यूनिटी, अजय कुमार ने लिखा लॉन्ग लाइफ आवर यूनिटी, मतलब हमारी एकता को लंबा उम्र मिले, लंबा आयु मिले, वहां पर क्या है मे को हाइड किया गया है, छिपाया गया है, तो वो सही है। लेकिन इसमें गलती क्या है जो सुनिए, और मैंने क्यों नाम लिया सुजल का शुरू में, क्योंकि डॉट 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 में जो लिखना है लिख लीजिए, और लास्ट में ये सैम्बुल दिख रहा है, दिखा लास्ट में सैम्बुल, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, मतलब विस्मय सूचक चिन्ह एकदम अति आवश्यक है, जिसे मेरी भाषा में क्या बोलते हैं, बैट बॉल, लग रहा देखे में वैसे रखा है बैट और नीचे में कुछ रखा है जेरी को बॉल, सही नाम होता है क्या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, मतलब विस्मय सूचक चिन्ह, लेकिन मेरी भाषा में, मेरी जुबान में आप इसे बैट बॉल जब था ना भी हुक ऐसे है तेरा हुक, तो क्वेश्चन मार्क को मैं हुक बोलता हूं, बस यू फनी मूड के लिए, समझाने के लिए, याद रखने के लिए, और एक्सक्लामेशन चिन्ह को क्या बोलते हैं बैट बॉल, ये लिखाता है एक लंबा लकीर नीचे में डॉट। तो यहां पर कुछ स्टूडेंट ने, हाँ अब देखिए अरुण शाह ने एक सही सही बैट और बॉल भेजा मेरे लिए, पवन शाह ने भी क्या भेजा एक सही सही बैट और बॉल, क्लियर। इस तरह से याद रखिएगा, स्टार्टिंग में मे, केवल मे जो लिखना बीच में लिख देंगे, और लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में बैट बॉल। इस तरह से आपका चौथा पड़ाव भी आपने पार कर लिया, मतलब चार स्टेज आपका हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल क्या है भाई आपके सामने, मे गॉड ब्लेस यू, दूसरा क्या हो गया मे यू लिव लॉन्ग, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं ना बोलता है खुश रहो बचवा खुश रहो, तो वही वह हो गया कि मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम्हारी आयु लंबी हो, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, इस तरह के इशारे। चलिए अब किसी का, अब मैं एक चीज आप पूछता हूं, यहां पर मुझे एक आंसर चाहिए ये कि कर्स, कर्स मतलब होता है श्राप या अभिशाप, मुझे सिर्फ
कर्स का एग्जाम्पल चाहिए, फटाक से आप टाइप करें, मुझे मैसेज करें कर्स का, CURSE, कर्स मतलब श्राप या अभिशाप। चलिए बताइए फट से, जैसा मैं ब्लेस का और कर्स का हिंदी फिर से लिख दे रहा हूं, केवल कर्स का बताइए और किसी चीज का नहीं। जब तक जरा मैं फिर से जो मिटाया था ना अभी ब्लेस, तो ब्लेस का हिंदी मैं फिर से लिख दूं ताकि बच्चे लोग बाद में सो घर पे लिख लें या इसे पढ़ लें। जल्दी से बताइए जी आंसर, क्योंकि मेरा लिखा हुआ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अरे भाई आंसर दीजिए फटाक से, कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए आप आंसर भेजते रहिएगा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा जब तक मैं आगे बढ़ता हूं। नंबर 5 आपका आ गया, जिसका नाम दिया गया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मैं पुअर्स कर्स देम। सौरभ राज आपका एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है, इसे सुधार करके फिर से टाइप करें ताकि मैं इस एग्जाम्पल को पढ़ सकूं और सभी को सुना सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका शुद्ध हिंदी होता है, चलिए मैं लिख दे रहा हूं इसका एक्सक्लामेटरी का, विस्मय सूचक वाक्य। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये विस्मय क्या होता है, ये कौन सा नया वर्ड मैंने सीख लिया। सुनीता सिन्हा लिखा है, उन्होंने लिखा है मे गॉड डोंट कर्स हिम। चलिए इनका भी गलत है, चलिए सौरभ जी और सुनीता जी दोनों ट्राई तो अच्छा किया लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है। चलो नेक्स्ट ट्राई, दीपक कुमार कह रहा है मे द पुअर कर्स मी, इनका भी गलत है। पवन जी कह रहा है आर यू फकिंग सीरियस राइट नाउ, ये भी गलत है, ये बिल्कुल 100% गलत है भाई पवन जी। मैंने पहले बोला कि बिना मे का, बिना मे MAY, बिना मे का आपका होगा नहीं, और आपने लिखा है पर आर, और आर के साथ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, आपने लगाया है बैट बॉल। ठीक है, मे द किंग ऑफ बिट्रेस, ये सही एग्जाम्पल है लेकिन लास्ट में आयुष जी आपने फिर से बैट बॉल छोड़ दिया। अब मान लिया जाए विराट कोहली जाएगा खेलने के लिए, अब बैट छोड़ दिया घर पर, तो खेलेगा दूसरा बल्ला से, बैट बॉल जरूरी है, मतलब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूरी है। ओके चलिए आगे देखिए, करा विस्मय सूचक बात, मैं चर्चा कर रहा था विस्मय पे कि विस्मय होता क्या है। विस्मय का मतलब होता है खुशी, गम, चाहत, या कह सकते हैं कि क्रोध, गुस्सा, ये सब का बोध जो करता है ना वो क्या कहलाता है विस्मय। तो इसका परिभाषा सिंपल बन जाता है, तो पहले परिभाषा देख लिया जाए, पढ़ें द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस। ठीक है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस, यहां देखें मतलब खुशी, सोरोनेस गम होता है ना दुख, रिग्रेट पछताना, इमोशन भावना, एंगर गुस्सा, वंडर आश्चर्य, डॉट 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 ETC, यानी हमारे मन की और दिल की जो विचार निकलता है किसी चीज के प्रति, चाहे वो खुशी का हो, गम का हो, तकलीफ का हो, अफसोस का हो, गुस्से का हो, तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे अक्सर बोलते हैं ओह बेचारा बीमार पड़ गया, तो ओह जो मुंह से ओह निकला वो क्या है दुख का बोध कर रहा है, कौन सा वर्ड हो गया एक्सक्लामेटरी होगी। बोलते हुर्रे हम लोग मैच जीत गए, तो हुर्रे क्या है खुशी का बोध है, तो क्या हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। अक्सर लड़का लोग देखिएगा या रोड पर देखेगा कोई जींस वाली लड़की को, तो जींस पहन ले टॉप पहन ले तो क्या बोलता है वाओ क्या लड़की है, तो वाओ जो निकला मुंह से वाओ ये कोची है एक्सक्लामेटरी वर्ड है। ठीक है, जब जाते हैं हम पार्क में घूमने के लिए तो तरह तरह के रंग बिरंगे फूल मिलते हैं, कोई ऐसा फूल जो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं काफी अट्रैक्टिव कलर का हो, बिल्कुल अच्छा सुंदर देखने में, तो क्या होता है वाओ यार क्या फूल था क्या फूल है। तो ये सब जो मन से निकलता है इमोशन जो भावनाएं वो क्या कहलाता है विस्मय, और विस्मय को हम दुख खुशी गम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं।
तो मन से निकलने वाले सारे इमोशंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नाम दे सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा है आयुष राज ने, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, बिल्कुल सही जवाब और बिल्कुल सही एग्जांपल। चलिए और जो स्टूडेंट एग्जांपल देना चाहते हैं वो फटाफट एग्जांपल दें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का और कौन कौन सा एग्जांपल हो सकता है, जब तक मैं आगे जरा कुछ एग्जांपल मैं देता हूं। फटाफट आंसर दें, मैं आपके आंसर का, आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं। यहां देखिए, फाइव फाइव यू हैव चीटेड योर मदर, अजय जी का आंसर बिल्कुल सही। सुनीता जी का, हुर्रे सीएसके वॉन द मैच, ओ यानी सुनीता जी जो है चेन्नई सुपर किंग के सपोर्टर हैं। चलिए मैच देखना अच्छी बात है और उसके बारे में जानकारी रखना अच्छी बात है, यानी आपने बोला है हुर्रे सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग ने मैच जीत लिया है। उसी तरह के यहाँ पर मैंने भी यहाँ पर दिया, ये देखो लिखा गया हुर्रा, ठीक है हुर्रा हिंदी में क्या बोलते हैं, हुर्रे। अब ध्यान देंगे यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है बैट बॉल, फिर क्या भाई, चलिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ क्योंकि इंडिया झप गया भाई, हमारा भारत झप रहना चाहिए, ठीक है यहाँ आइए फिर से, चलिए पेन ले लेते हैं, हाँ जी। उसके बाद सौरभ कह रहा है पीपुल कर्स द मिनिस्टर्स, सही है जी। अजय कुमार हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, सही है। फिर सुजल कुमार व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, सही है। बेट दिस ब्रिज इज रोटेन, चलिए सबका एग्जाम्पल सही है, यानी आप लोग बिल्कुल सही तरीके से सेंटेंस को सीख चुके हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए ध्यान से, मैं सिर्फ इसे छोटे से बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, किसको, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन को यहाँ पर, और यहाँ पर भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन को। पहला हम कहे हुर्रे हुर्रा इंडिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप, यानी हुर्रे भारत वर्ल्ड कप जीत चुकी है, ये क्या हुआ, खुशी का बोध हुआ। फिर नीचे आइए, ओह द ओल्ड मैन हैज डाइड, करा ओह बूढ़ा व्यक्ति मर गया है, ये क्या हुआ, गम का बोध हुआ, दुख का बोध हुआ। इस तरह से अगर चाहें तो इसको पहचान ग्रुप में और भी लिख सकते हैं, एक होता है भाट या हाउ, तो अगर भाट या हाउ से सेंटेंस का स्टार्टिंग करते हैं उसके बाद जो लिखना है बीच में लिख दें और लास्ट में इस तरह का कहते हैं बैट बॉल, ये फॉर्मेशन, और नहीं तो एक्सक्लामेटरी वर्ड शुरू में लिख दीजिए और यहाँ पर डालिए बैट बॉल, फिर जो लिखना है लिख दीजिए, यह एक्सक्लामेटरी वर्ड है तुरंत बैट बॉल, ओह उसके बाद क्या लग गया बैट बॉल, तो लास्ट में क्या आइए फुल स्टॉप। इन दोनों फॉर्मेट से आप चाहें तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग आज खेलते खेलते हंसते कूदते क्या हुए कि सेंटेंस की पूरी जानकारी काफी डीपली और काफी होता ना एक क्लास का एनवायरमेंट, ऑफलाइन क्लास के एनवायरमेंट जैसा आप लोगों ने यहाँ पर सीखा। मुझे तो खुशी इस बात की हुई कि आज बहुत सारे स्टूडेंट ने फटाफट मेरे सही सही सवालों का सही सही जवाब दिया और फास्ट जवाब दिया, सॉलिड दिया। हाँ किन्हीं किन्हीं कुछ गलती हुआ, चलिए माइनर मिस्टेक है, बेसिक क्लास है, आप लोग धीरे धीरे ट्रेंड हो जाइएगा, एक्सपर्ट हो जाइएगा, फिर फटाफट आंसर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का क्लास बस इतना ही, आज के क्लास में आपको कुछ खास जानकारियां मिली। अब मैं यहां से कुछ खास बातें बोलता हूं जो ध्यान सुनिएगा कि इस पूरे टॉपिक को जो आज का जो क्लास हुआ सेंटेंस पांच तरह का, पांच का डेफिनेशन, पांच का अलग अलग एग्जांपल, उसका शॉर्ट मेथड, ये सारे चीज को आप घर पे एक बार फिर से देख लीजिएगा इस वीडियो को ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए और समझ में आ जाए। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही, कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बेसिक ग्रामर के साथ आपके सामने हमारा चैनल सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल मौजूद रहेगा। अगर आज का ये वीडियो, ये क्लास अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को जरा प्यारा सा एक लाइक दे दीजिएगा। अगर कोई विद्यार्थी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि प्रतिदिन के क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप में से बहुत से विद्यार्थी, आपके दोस्त लोग नहीं पढ़ रहे होंगे तो उसको जरा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो इस वीडियो को देख करके कुछ पढ़ने की लालसा जगाएं और क्लास को ज्वाइन करें। तो चलिए कल मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जब तक मैं पिंटू सर आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से गुड बाय, जय हिंद जय भारत, दैट्स ऑफ ऑल एंड थैंक यू।